Which graph corresponds to an object moving with constant negative acceleration and a positive velocity? फिर से हम देख सकते हैं v पॉजिटिव है और a नेगेटिव है. a नेगेटिव होने का मतलब रिटार्डेशन नहीं होता, a और v के साइन डिफरेंट होने का मतलब रिटार्डेशन होता है. यानी कि हमें रिटार्डेशन मोशन सेलेक्ट करना है सब में से. ये तो भाई एक बार कह सकते हैं वेलोसिटी घट रही फिर बढ़ने लगी, ये तो गलत हो गया क्योंकि हमें रिटार्डेशन दिखाना है. ये क्लियरली एक्सेलरेशन दिखा रहा है, वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, ये भी गलत हो गया. और वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो रही है इस ग्राफ में, ऐसा लग रहा है कभी ज़ीरो होगी भी नहीं, इस तरह से रखा है, ये भी गलत हो गया. इसमें हम देख सकते हैं कुछ डिस्टेंस ट्रैवल होने के बाद वेलोसिटी ज़ीरो हो रही है, ये रिटार्डेशन बिल्कुल सही तरीके से दिखा रहा है. तो दैट इज़ दी करेक्ट आंसर. और एक तरीका और है, जैसे कि हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है वी डी वी बाय डी एक्स, है ना. सो अगर हम वेलोसिटी का डिस्टेंस के साथ ग्राफ बना रहे हैं तो जो स्लोप होगा, जब भी कोई स्लोप होता है किसी ग्राफ का, सपोज ये ग्राफ है ऐसा, ये वाई और ये एक्स, तो स्लोप क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स, यानी कि इस क्वांटिटी का इस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन. तो अगर वी और एक्स का ग्राफ बना रहे हो तो स्लोप होगा डी वी बाई डी एक्स, है ना. सो ए बाई वी एक्चुअली में आपका स्लोप की वैल्यू होनी चाहिए, और क्योंकि रिटार्डेशन है तो माइनस होनी चाहिए. तो आप देख सकते हैं कि स्लोप नेगेटिव आना चाहिए इस ग्राफ का, और आ भी रहा है. तो कहीं पर भी टेंजेंट बनाओगे तो देखो लाइन जो है वो ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है ना. तो बिल्कुल सही है कि ये ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, वो है भी. और इस तरह से भी आप बता सकते हैं कि ये ग्राफ ही सही ग्राफ है.